वेलकम टू नेक्स्ट नौकरी। नेक्स्ट नौकरी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो पहली बार विजिट कर रहे हैं नेक्स्ट नौकरी चैनल पे, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए एंड शेयर जरूर करिए अदर ग्रुप्स में भी, जिससे कि और लोग भी बेनिफिट्स ले सकें। और साथ में लगे हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियोस पहुंच सकें और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, ठीक है। तो DSSSB के अनुसार जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं इस समय, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर्स हैं, क्योंकि काफ़ी लेटेस्ट करंट अफेयर्स आती हैं उसमें 1 मंथ 2 मंथ से। तो उसी तरीके की हम करंट अफेयर्स इसमें इंक्लूड कर रहे हैं आप लोगों के लिए बेनिफिट्स के लिए, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आपके 1, 2, 3 नंबर इस करंट अफेयर्स में से बिल्कुल कन्फर्म हो जाएँ। क्योंकि देखिए नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे, और जब पॉइंट से आपका सिलेक्शन रह जाता है तो आपको बहुत दिक्कतें होती हैं। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स की वीडियो को हैबिट बनाइए जरूर देखने की, और आपको बेनिफिट्स मिल सके। और वीडियो को अंत में तक जरूर देखिए, लास्ट में मैं आपको और भी अच्छी बातें बताने वाला हूँ कि आप कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चंस किया है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने किस राज्य में जल प्रबंधन के लिए 91 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन देखेंगे कर्नाटक, बिहार, पंजाब, झारखंड। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से क्या आंसर रहने वाला है आपके लिए। तो देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है, कर्नाटक। इस फंड का इस्तेमाल कृष्णा नदी के नदी बेसिन प्रबंधन योजना को तैयार करने में भी किया जाएगा। ADB के अनुसार इस संबंध में सरकार और बैंक के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और बैंक के अनुसार बेसिन प्रबंधन योजना से सिंचाई जल को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। यह कर्नाटक राज्य की जल सुरक्षा को सतत बनाने में भी सहायता करेगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए कृष्णा नदी की बात कर लेते हैं, कृष्णा नदी के बारे में आप डिटेल्स में मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइएगा। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है, जहाँ से वो निकलती है, वो कहाँ से और कौन से समुद्र में गिरती है, ठीक है, और कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से निकलती है। तो इस तरीके से अगर आप वो नीचे टाइप करके बताएंगे तो आपकी वो तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, और कृष्णा नदी आपको पूरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्था द्वारा नए भारत के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों ब्लॉकों का निर्माण नामक रिपोर्ट जारी की गई है। तो क्या नाम लिखा है, ब्लॉकों का निर्माण, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय और बाल विकास मंत्रालय। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या रहेगा आंसर। तो देखिए आंसर आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर रहेगा नीति आयोग। तो नीति आयोग द्वारा इस रिपोर्ट में भारत की स्वास्थ्य प्रणाली में संपूर्ण सुधार के लिए एक स्पष्ट मार्ग निर्देशन प्रस्तुत किया गया है, और इस रिपोर्ट में भविष्य की स्वास्थ्य प्रणाली के 5 मुख्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। जन स्वास्थ्य का अपूर्ण एजेंडा पूरा करना और बड़ी बीमा कंपनियों में निवेश करके व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय को घटाना, सेवा वितरण को आपस में जोड़ना, स्वास्थ्य सेवा का बेहतर खरीदार बनाने के लिए नागरिकों का सशक्तिकरण करना और डिजिटल स्वास्थ्य की शक्ति का लाभ पाना इनमें शामिल है। देखिए DSSSB इसी तरीके के क्वेश्चंस लेगा, और कभी कभी क्या कर देता है वो ये पॉइंटों को ऊपर लिख देगा और नीचे पूछ लेगा कि बताइए इसमें ABCD सही है या CDA सही है, इस तरीके से वो इसे अलग अलग कर देगा। इसलिए डिटेल्स में अगर आपने पढ़ लिया है तो आपके बहुत अच्छा एक इस तरीके का क्वेश्चन तैयार हो जाता है कि आपके 3 से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल मेंस डे किस दिन मनाया जाता है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि मैं खुद पहली बार जब मैं स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे पहली बार पता चला है थोड़ा इसके बारे में। तो देखिए ऑप्शन देखिएगा, 19 नवंबर, 18 नवंबर, 17 नवंबर और 16 नवंबर, ठीक है। तो ये 4 दिन है, हमें विमेंस डे तो पता है बट पुरुष दिवस का मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से। आप लोगों को पता होगा, आप लोग जो डेली प्रिपरेशन करते रहते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को सब नॉलेज रहती है वैसे। तो देखिए इसका आंसर रहेगा 19 नवंबर। हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस इंटरनेशनल मेंस डे मनाया जाता है। यह दिन मुख्य रूप से पुरुषों को भेदभाव, शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और असमानता से बचाने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने के लिए मनाया जाता है। और इस वर्ष के दिवस की थीम है मेकिंग ए डिफरेंस फॉर मैन एंड बॉयज, ठीक है, मैन एंड बॉयज, ये थीम है। थीम बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है किसी भी क्वेश्चंस की, अगर जो डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके लिए थीम्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, ठीक है। क्वेश्चन में यही तरीके की थीम पूछ ली जाती है कई बार। और भारत में वर्ष 2007 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया गया, और इसके बाद से ही भारत में हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। देखिए
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही नया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली शाहीन फर्स्ट मिसाइल का परीक्षण किया है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं नेपाल, चीन, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको बताना है इसका आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और लास्ट में एक क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो रहेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यह मिसाइल सभी प्रकार के हथियार को टारगेट करने में हिट करने में सक्षम है। यह 650 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यह जानकारी पाकिस्तानी सेना ने प्रेस रिलीज जारी करके दी है, और इसका उद्देश्य सेना के उपयोग के लिए मिसाइल की उपलब्धता जांचना है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कतर और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में दोहा में 5 दिवसीय द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया है? ऑप्शन देखेंगे नेपाल, भारत, रूस, जापान। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से क्या आंसर रहेगा। और इस क्वेश्चन से संबंधित मैं एक DSSB के अनुसार आपको एक बात बता दूं कि ये युद्ध अभ्यास जितने भी होते हैं, जितने भी युद्ध अभ्यास हो रहे हैं, ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए। DSSB ये क्वेश्चन एक जरूर देता है आपको, उसके फेवरेट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन इसमें से आता ही आता है। ठीक है, युद्ध अभ्यास पूछ लेता है। अभी एक 9 तारीख में एग्जाम हुआ, उसमें 2 युद्ध अभ्यास पूछे हैं, बताइए। ठीक है, और उससे पहले एक एग्जाम हुआ था, उसमें GI टैग पूछा है। तो कुछ ऐसे फेवरेट क्वेश्चन हैं DSSB के कि उसमें से वो क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा। ठीक है, तो देखेंगे इसका आंसर है भारत। ठीक है, द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, खास तौर से आतंकवाद, समुद्री डकैती के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। अभ्यास में 3 दिवसीय बंदरगाह चरण और 2 दिवसीय समुद्री चरण शामिल होगा, और बंदरगाह चरण के दौरान आयोजित होने वाली गतिविधियों में एक संगोष्ठी, पेशेवर संवाद, आधिकारिक दौरे और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। IMD की नवीन विश्व प्रतिभा रैंकिंग में भारत 6 स्थान फिसलकर कितने पायदान पर आ गया है? ऑप्शन देखेंगे 55वें, 49वें, 59वें और 69वें। ठीक है, 55, 49, 59 और 69। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से क्या आंसर है। तो आंसर देखिए 59 रहेगा, इसका सी आंसर रहेगा, और 59वें स्थान पर। ठीक है, कुल 63 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर है, और यह रैंकिंग 3 प्रमुख श्रेणियों में प्रदर्शन पर आधारित है। इसमें निवेश एवं विकास और लोगों के बीच उसकी अपील और तत्परता। सूची में चीन 42वें में, रूस 47वें और दक्षिण अफ्रीका 50वें पायदान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन निम्न में से किस शहर में शामिल किया गया था? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे नई दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है इसमें से क्या आंसर रहेगा आपके लिए। तो इसका आंसर रहेगा देखिए नई दिल्ली। ठीक है, क्या रहेगा? नई दिल्ली। नई दिल्ली में 13 नवंबर से 16 नवंबर 2019 के बीच प्रथम राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह पहला राष्ट्रीय कृषि रसायन सम्मेलन था। अब इसे प्रत्येक 3 साल पर आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का आयोजन कीटनाशक प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों की भूमिका को ध्यान में रखते हुए किया गया है, और कीटनाशक के उपयोग के लाभ उनके जोखिमों की तुलना में अधिक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा पाकिस्तान की FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने की पेशकश की गई है? ऑप्शन देखेंगे UN, यूनेस्को, WWF, EU। तो DSSB के अनुसार ये चारों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। चारों को डिटेल्स में आप कमेंट में लिख के बताइए मुझे। यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना, यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स, ठीक है, WWF की फुल फॉर्म, EU की फुल फॉर्म, UN की फुल फॉर्म, तो इस तरीके से इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे, अगर आपको टाइम है तो। अगर देखिए आपकी फिर ये कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा EU। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन EU वित्तीय कार्रवाई कार्यबल अर्थात FATF की कार्य योजना लागू करने के लिए पाकिस्तान को तकनीकी सहायता मुहैया कराने की पेशकश की है। वैश्विक आतंकी वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने वाले FATF ने पिछले महीने पाकिस्तान को ग्रे सूची यानी निगरानी सूची में ही अगले साल फरवरी तक के लिए रखा है, और पाकिस्तान 7 दिसंबर तक अपनी अगली रिपोर्ट FATF की की क्षेत्रीय इकाई एशिया पैसिफिक ग्रुप APG को सौंपेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्नलिखित में से कौन से देश ने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के तहत नए टाइफाइड वैक्सीन की शुरुआत की है? ऑप्शन देखेंगे, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार। तो आपको बताना है इसमें से आंसर। तो देखिए आंसर रहेगा इसका पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त टाइफाइड वैक्सीन को अपने नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया। और यह पहला टाइफाइड वैक्सीन है जो 6 महीने की उम्र के रूप में बच्चों को दिया जा सकता है और टाइफाइड से लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। और पाकिस्तान में 2017 में 70% टाइफाइड से होने वाली मौतें 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे और आज का आखिरी क्वेश्चन है। टोटल कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। भारत सरकार द्वारा सभी वाहनों को FASTAG लगवाने के लिए कौन सी समय सीमा तय की गई है? ऑप्शन देखेंगे आप, 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 15 दिसंबर और 20 दिसंबर। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है आंसर। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कितने आंसर सही हुए आपके। तो देखिए इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा आपका 1 दिसंबर। क्या है? 1 दिसंबर। तो भारत सरकार ने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहन देने तथा पारदर्शिता बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल प्लाजा की सभी लेनों को 1 दिसंबर 2019 से फास्टैग, ठीक है, लेनों के रूप में घोषित करने का आदेश दिया है। तो ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, बता दीजिएगा कितने हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। किसको करना है? नेक्स्ट नौकरी चैनल को। नेक्स्ट नौकरी चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप बेनिफिट्स ले सकें। और धीरे धीरे हम स्पेशल एजुकेशन पर फोकस करने वाले हैं और उसकी वीडियो आपको डेली रेगुलर देने वाले हैं। अभी 2 दिन से मैं उसकी वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ थोड़ा बिजी होने के कारण। आने वाले टाइम में आपको डेली उसकी वीडियो मिल जाएंगी। उसके लिए हम ग्रुप भी क्रिएट करने वाले हैं, उसकी पेमेंट फ़ी भी रखेंगे हम, और जिससे कि आप फ़ी पेमेंट करने के बाद आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाएंगे और आपको डेली की जो भी हम उसके नोट्स तैयार करेंगे या जो भी रोज के हम PDF बनाएंगे वो आपको उसमें मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का आपके लिए क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2020 में किए जाने वाले विकास कार्यों में से किस देश ने 1,35,00,000 डॉलर का सहयोग देने का संकल्प जताया है? ऑप्शन देखेंगे, भारत, नेपाल, चीन, रूस। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको इन चारों में से बताना है आंसर क्या है और कमेंट बॉक्स में लिख देना है। ठीक है, तो इस वीडियो में तो सिर्फ इतना ही था। अब मैं आपको बताने वाला था कि आप प्रिपरेशन किस तरीके से करें। तो उसके लिए सिंपल है, आप एक वर्ल्ड का नक्शा और एक इंडिया का नक्शा और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का नक्शा जरूर अपने रूम के अंदर लगा लीजिए। एक बोर्ड रख लीजिए, वाइट बोर्ड और मार्कर जरूर रखिए। जैसे ही हम किसी भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए भारत, ठीक है, तो हम भारत की बात कर रहे हैं। आप मैप में देखेंगे, आप मैप में भारत देखेंगे और फिर मैं बताऊंगा आपको और क्या क्या तैयार करना है। नेपाल देखेंगे, ठीक है, चीन देखेंगे, रूस देखेंगे। आपको मैप पूरा याद हो जाना चाहिए कि चीन कहाँ पर है, रूस कहाँ पर है, ठीक है, नेपाल कहाँ पर है, जो भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो इस तरीके से आप डेली एक कंट्री, दो कंट्री देखेंगे। तो कंट्री टोटल कितनी है? 206 तो मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है, 193 पहले थी, अभी 206 हैं, अभी और क्रिएट हो गई हैं कुछ कंट्रीज। तो इतनी कंट्रीज हैं तो आप 1 ईयर्स में सारी कंट्री ऐसे रट जाएंगे, मतलब आपको ऐसी याद हो जाएंगी कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करने की थोड़ी सी तरीके अपना लीजिए आपको, जिससे कि वो ज़्यादा दिनों तक याद रहें। और जो भी मैं आपको बोलता हूँ कमेंट में नीचे लिखने के लिए वो ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपकी जो प्रिपरेशन और बढ़िया हो सके। जितनी बार आप लिखेंगे उतना ही आपको ज़्यादा याद रहने वाला है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और देश के विकास में अपना योगदान देते रहिए।